नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक कहानी जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, या हम यूँ कह सकते हैं कि लेखक जो नोबेल पुरस्कार के विजेता भी रहे हैं और बाल मनोविज्ञान के हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े जानकार भी रहे हैं, और वे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। सचमुच में रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कहानियाँ हैं वो समाज के किसी न किसी क्षेत्र को इंगित करती है या उसको उभारने का प्रयास करती है। उन्हीं कहानियों में तोता, जो DL.ED के शिक्षा के साहित्य में समाहित की गई है, उस कहानी को थोड़ा सा हम लोग देखें, और साथ साथ ये भी चर्चा करने का प्रयास हम लोग करेंगे कि इस कहानी के पीछे कौन सा ऐसा तथ्य है, कौन सी ऐसी बात है जिसको ध्यान में रखते हुए DL.ED के कोर्स में इसे सम्मिलित किया गया है। मित्रों, कहानी की शुरुआत एक मूर्ख पक्षी के साथ होता है, और वो सचमुच में राजा का वो पक्षी है, गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, खुदकता तो था, उड़ता भी था, मगर नियम कानून नहीं जानता था। राजा ने एक दिन कहा कि ऐसा पक्षी किस काम का, जंगल में फल खाकर जो शाही फल बाजार में नुकसान पहुंचाए, और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आदेश दिया कि इस पक्षी को शिक्षा दो, और उस पक्षी को शिक्षा देने का भार राजा के भांजों पर दिया गया। और उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े पंडित आए, उन लोगों ने विचार विमर्श किया कि सचमुच में इस पक्षी को किस तरह से विद्या दी जाए, और विचारों के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि यह पक्षी इतना छोटा है और इतना छोटा अपना घोंसला बनाता है कि उस छोटे घोंसले में इस पक्षी को भारी भरकम शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो सबसे पहला जरूरी काम है शिक्षा देने के पहले कि इसको एक बड़ा पिंजरा में रखा जाए। और सचमुच में जिन लोगों ने इस तर्क वितर्क को देकर और एक पिंजरा बनाने की सहमति जताई थी, वे लोग राजा के तरफ से इनाम पाकर और खुश होकर अपने घर लौट गए, और उसके आदेश से, उस निर्णय के आदेश के आलोक में सुनार को बुलाया गया जो पिंजरा बनाने लगा, और सचमुच में इतना अच्छा पिंजरा बनाया कि सब लोग देखने लगे, और जो भी उसे देखते थे तो कहते थे कि सचमुच में शिक्षा की तो हद हो गई। और लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे पिंजरा तो बन ही गया, यह पक्षी का भाग्य का चमत्कार है। तो तरह तरह के लोग तरह तरह की अपनी बातें करते थे, और उस सुनार को भी भारी भरकम इनाम दिया गया। अब पढ़ाने वाले आए, और पढ़ाने वाले लोगों ने वहाँ पर ग्रंथों की चर्चा की कि सचमुच में अच्छे अच्छे ग्रंथ होने चाहिए, और ग्रंथ लिखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, फिर या हम कह सकते हैं दूसरे ग्रंथों से नकल करने के लिए नकल नवीसों का वहाँ पर उस कार्य को नकल नवीसों को दे दिया गया, और वे अपना कार्य तन्मयता के साथ करने लगे। और देखते देखते वहाँ पर पुस्तकों की एक भंडार लग गई, और यह देखकर फिर उन लोगों को, नकल नवीसों को भी भारी भरकम इनाम दिया गया। इस तरह से उनके साफ सफाई और भी जितने काम हैं उनके लिए अधिक से अधिक लोगों को रखा गया, और बहुत सारे लोग उस काम में जुट गए। भारी भरकम कार्यालय बन गया, रजिस्टर मेंटेन होने लगा। इस तरह से जितने भी लोग थे वे सारे उससे जुड़ते गए किसी न किसी रूप में, और अंत में अगर कहा जाए तो पिंजरे की उन्नति तो हो रही थी, लेकिन सचमुच में पक्षी का उन्नति हो रही थी कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। और इसी प्रश्न को कुछ लोगों ने, जिसे हम कह सकते हैं कि आलोचना के दृष्टिकोण से या आलोचक, बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि इतनी बड़ी व्यवस्था करने के बाद भी पक्षी को शिक्षा दी जा रही है, नहीं दी जा रही है। यह बात राजा के पास पहुंची, और राजा ने अपने भांजों को बुलाकर
इसके बारे में पूछा कि सचमुच में समाज में जो चर्चा हो रही है इसमें क्या वास्तविकता है। भांजो ने कहा कि सचमुच में जो लोग हैं जितने लोग हैं जो किसी न किसी रूप में इससे जुड़े नहीं हैं या उनको लाभ नहीं है वे ही बेकार लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। और पुनः राजा खुश होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोने की एक सिकड़ी दिया जो उनके लिए एक तरह का हम कह सकते हैं कि तोहफा। अब काम आगे बढ़ने लगा और बढ़ते रहा, लेकिन राजा एक दिन सोचे कि सचमुच में हम भी देख लें कि ये कार्य किस तरह से हो रहा है। और उनके साथ मंत्री दीवान मित्र आदि सब लोग पीछे लग गए। और वे लोग जब वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर पढ़ाई हो रही थी तो संघ घड़ियाल तासे तुरही नगर आज जितने भी मृदंग ये जितने भी बाजे थे वे उनकी आगवानी में या उनके उनके समक्ष ये सारे बाजे एक साथ बजने लगे। और जो लोग पंडित लोग जो जो विद्या दे रहे थे वे मंत्रोच्चार को बहुत जोर जोर से करने लगे। और चारों तरफ जितने लोग जो ममेरे चचेरे संबंधी थे जो लोग उससे जुड़ गए थे अपना परिचय या कह सकते हैं कि पैरवी करा कर तो वे लोग भी जयकार करने लगे। और फिर राजा का जो भांजा जो देख रहा था उसने बोला कि फरमाइए साहब सारा इंतजाम तो कर लिया गया है और आप तो देखने के पारखी हैं और आप देख सकते हैं। सचमुच में राजा जब देखे तो वो खुश हो गए कि व्यवस्था सारी अच्छी है और सारा काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो लौटकर अपने हाथी पर चढ़कर महल आने को तैयार हुए तभी किसी ने आवाज़ दी कि आपने तो सब चीज़ देख लिया और देखने के बाद आपने पक्षी को नहीं देखा है जिसको शिक्षा दी जा रही है या शिक्षार्थी के आपने किसी तरह का कोई छानबीन नहीं की। पुनः राजा वहाँ से लौट गए और वहाँ जाकर उसकी तहकीकात करने लगे कि सचमुच में कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है या नहीं। और जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि सारे तामझाम तो हैं स्वयं पक्षी लेकिन उनको नज़र नहीं आया। सब चीज़ दिखाया गया सब चीज़ देखे लेकिन अंततोगत्वा वहाँ भी वे भूल कर गए या हम कह सकते हैं कि नहीं समझ पाए और पक्षी को बिना देखे हुए या उसकी तहकीकात किए हुए वे लौट गए। और पुनः उन्होंने जिन लोगों ने शिकायत की उनके विपक्ष में भी उन्होंने बोला कि सचमुच में वे दंड के भागी हैं। बाद में वहाँ पर देखा गया कि पिंजरे में सारा चीज़ है, दाना है, पानी है और बड़ी बड़ी पोथियों का ढेर है लेकिन सचमुच में विद्या वहाँ पर नहीं है या विद्या ग्रहण करने की स्थिति नहीं है। उस पक्षी का गाना बंद है, चीखने चिल्लाने का तो गुंजाइश ही नहीं है। और इस तरह से वे सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं और सारी व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने के बाद पुनः राजा आश्वस्त हो गए कि ये अब किसी तरह की कोई कमी नहीं है और वे वहाँ से अपने महल को लौट गए। एक बार चिड़िया पिंजरा को काटने का प्रयास किया तब उसने क्या किया कि सचमुच में उसको इस तरह से और व्यवस्था कर दी गई या हम कह सकते हैं कि और मजबूत पिंजरा को बना दिया जाएगा कि वो पक्षी उसे काट न सके। और फिर जो बनाने वाला था वो पुनः अपना इनाम लेकर वहाँ से चला गया। अब आगे की बात सारी प्रक्रियाएँ यथावत चलती रही लेकिन वो मूल बात जी थी या मूल प्रक्रिया थी शिक्षा देना वो नहीं। ऐसा देखते देखते पिंजरा मजबूत, चिड़िया को शिक्षा देने वाले मजबूत लोग, विद्वान लोग, सारी व्यवस्थाएं ठीक लेकिन धीरे धीरे चिड़िया को कुछ नहीं मिल रही थी। अंत में चिड़िया के पंख भी टूट गए, काट दिए गए और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि चिड़िया वो वहाँ से जो जो शिक्षा जिसको दिया जा रहा था वो भर गई। और ये खबर पुनः राजा के पास पहुँची और राजा ने अपने भांजे को बुलाकर पूछा कि सचमुच में ये बात क्या है मैं सुन रहा हूँ।
भांजो ने विनती करके, महाराज पक्षी की शिक्षा संपूर्ण हुई, ये भांजो का उत्तर था राजा के प्रश्न का। राजा ने फिर पूछा, अब भी फुदकता है? भांजे ने जवाब दिया कि अजी राम भजो, उड़ता है ना, गाता है ना। राजा ने पुनः कहा कि एक बार पक्षी को लाकर दिखाओ। पक्षी आया और पक्षी को राजा ने उंगलियों से दबाकर देखने का या विश्लेषण करने का या समझने का प्रयास किया, और उसके बाद न राजा को उस पक्षी से के मुंह से हाँ हूँ कुछ भी नहीं निकला, बस एक हल्की सी सिसकी निकली और वो पंख विहीन, देह आत्मा विहीन कह सकते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई हरकत नहीं हुई, बल्कि उसके पेट में सूखे पन्नों की खरखराहट जरूर सुनाई पड़ी और बाहर नए वसंत की दक्षिण व्यार की सारे कलियां, सारे फूल ने एक गहरी आह ली। सचमुच में मित्रों, यह कहानी जिन जो बच्चों की समस्याओं को, या हम कह सकते हैं अभिभावक जो सोचते हैं अपने अनुसार व्यवस्था करते हैं, या हम कह सकते हैं सीखने सिखाने की व्यवस्था जो है, सचमुच में उस पर ये एक तरह का कुठारा घात है। हाँ, योजनाओं में मूल स्वभाव को छोड़कर काल कौलित हो जाते हैं, जितनी भी कार्यक्रम बनते हैं बच्चों की स्वतंत्रता छीन जाती है, उनको घेरने के लिए इतने विशाल महल या भवन तैयार किए जाते हैं कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ ज्ञान की बलात् बच्चों के मुंह में ठूसने लगते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है उनकी स्वाभाविक संवेदना का खत्म होना। और सचमुच में चिड़िया का उछलना, कूदना, हंसना ये सारा समाप्त हो गया, वहीं दिखाता है। और अंत में राजा ने पूछा कि अभी फुदकता है, अजी राम भजो, ये उत्तर उड़ता है ना, गाता है ना। और तब राजा ने अपने जब उंगलियों से उसे स्पर्श किया तो न उसके मुंह से हाँ और हूँ हुई, न हल्की सी बल्कि उस सिसकी भी नहीं निकली, और साथ साथ पंख विहीन देह विहीन हम कह सकते हैं उस पक्षी के से कुछ भी हरकत नहीं हुई। और अंत में क्या उन्हें महसूस हुआ कि उस पक्षी के पेट से पोथियों के सूखे पन्नों की खरखराहट जरूर सुनाई पड़ी। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कहानी को सुना और साथ साथ बाल मनोविज्ञान की इस कहानी को सुनने समझने का प्रयास किया जाए। विद्यालयों में भी शिक्षकों को भी शिक्षिकाओं को भी इस कहानी को पढ़कर कक्षा में या विद्यालय में उतारने का प्रयास किया जाए तो सचमुच में बच्चों का इससे ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण होगा, और साथ साथ जो शिक्षा के स्टेक होल्डर है, वी कैन से इन अदर वर्ड्स द स्टेक होल्डर शुड प्रॉपरली रीड दिस टेल एंड ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन और एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम दे शुड कंसिडर प्रॉपरली द साइकोलॉजी ऑफ दिस टेल। थैंक यू टू ऑल।